मरीज है उसकी उम्र है वो 23 साल है, मैदा खराब रहता है, साथ में हल्का बुखार हरकत करता है और पेशाब की जो रंगत है वो ज्यादा कलर की आती है। अच्छा, और जब याद रखें कि जब भी चेहरे पर जर्दी आ जाए और पेशाब की रंगत जो होती है ना, वो कोई भी अच्छा मालिश होगा ना, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, उसे वो चेक करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं। और हुक्मा हजरात में तो यूरिन का टेस्ट बहुत ही कारगर माना जाता है। जहां कभी ऐसा होता है कि नर्व से पता ना चले, वहां यूरिन का टेस्ट जो है ना वो कर लिया जाता है और देख के पता चल जाता है। अगर जर्दी यानी कलर ज्यादा आ जाए तो फिर क्या होगा कि गर्मी का जोर चढ़ा हुआ है, तो इसी वजह से मेदे में गर्मी की वजह से अंतड़ियों में सोजिश हो चुकी है, और यही वजह है कि बुखार भी हल्का रहता है, और इनका जो मैदा है वो पूरे तरीके से सोजिश का शिकार है। जब भी कुछ खाएंगे पेट में दर्द होगी, जब भी कुछ खाएंगे पेट में दर्द के साथ मरोड़ सा उठेगा। और बहुत ही आसान सा एक कुलिया है कि एक मीठा अनार जो होता है ना, मीठे जायके वाला, वो लाजमी खाए इस हालत में। मीठे अनार जैसे कि सबसे अच्छा जो कलर उसमें मीठा मिलेगा आपको वो तो व्हाइट कलर में मिलेगा, तो जिसे उर्फ में बदाना अनार भी कहा जाता है, वो बहुत अच्छा है। उसका जूस पिए या वैसे चबा चबा के खाएं तो बहुत अच्छा है इस मकसद के लिए। और अगर आप इसकी कोई रेमेडी, कोई मेडिसिन तैयार करना चाहते हैं हर्बल, तो वो भी बहुत अच्छा एक नुस्खा है जिसके जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बारदिन बोलते हैं। तो बारदिन तैयार करने के लिए क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स मैं बता देती हूँ। सौंफ, जीरा सफेद, मुलट्ठी, रुख मुलट्ठी भी साथ इसमें ऐड कर लें तो बहुत अच्छी बात है, शिकाकल, और इनको बराबर वजन ले लेना है, और इसमें इन तमाम चीजों के वजन को देखते हुए आधा वजन यानी कम करते हुए एक और चीज ऐड करनी है, वो है सुहागा बनिया। सुहागा लेके पहले उसको तवे पर खीर कर लें, और आपको पता है कि खीर कैसे दिया जाता है, क्या आपने कभी इसको ट्राई नहीं, किया? आपको थोड़ा जी मैं बताती हूँ कि तवे के ऊपर सुहागा रखना है, वो फूलना शुरू हो जाएगा, और जिस तरह फूलता जाएगा वो जब अपनी सफेदी में आ जाएगा ना, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, उसका गीलापन खत्म हो जाएगा, तो फिर उसको साथ पीस के ऐड कर ले तो बहुत अच्छी ये बारदिन बन जाती है। बस ये हाफ टी स्पून दिन में हर खाने के बाद, और हर खाना तकरीबन सुबह दोपहर शाम ही होता है, और इससे कम भी अच्छा नहीं और इससे ज्यादा भी अच्छा नहीं, तो लिहाजा 2 टाइम अगर खाना खा रहे हैं 2 टाइम ले लें, बहुत अच्छी चीज बनेगी ये। मेदे के लिए भी अच्छी है, और स्टमक में जो अल्सर का इश्यू चलना शुरू हो जाता है वो भी है, और अभी इन्हें पता नहीं है क्योंकि इनका मैदा जो है वो अल्सर के स्टार्टिंग पे जा रहा है, तो बेहतर ये कि वो ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हमें आराम आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे इंसानियत चैनल के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम तर नोटिफिकेशन से बाखबर रह सकें।